वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंदर मौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। और ये जो एनालिसिस है ना, ये एकदम सिंपल सा है। इसमें हम लोग कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। इसको हम लोग एकदम सिंपल सा रखेंगे। अगर कोई मार्केट में नया नया आया है और वो मेरा वीडियो या पहली बार देखा है, वो भी इसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको एकदम सिंपल से रखेंगे। इसमें मैं सिंपल से क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने आपको मास्टरिंग फाइव में सीरीज़ में जो कुछ सिखाया, हम उसी सेटअप को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस वीक में, और देखेंगे कि क्या इस वीक में हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले हुए या नहीं, ओवरऑल ये वीक कैसा रहा, ये सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो कौन सा लेवल था जहाँ पर हम लोग अपना जो SL था उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते थे, और वो कौन सा लेवल था जहाँ पर हम लोग अपना जो प्रॉफिट्स है उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकते थे, ये सारी बातों को हम ये लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वीक का बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने इस वीक का मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रेड का जो सिंपल सा रूल होता है, हमें क्या करना होता है, हमें डेली क्या करना होता है, सिर्फ दो ट्रेड लेना होता है। अगर हमें कंटिन्यू दो ऐसे लेट हो जाते हैं तो हमें अपने सिस्टम को क्लोज कर देना होता है। और हमें यहाँ पर जो टारगेट रखना होता है, टारगेट हमें रखना होता है, मिनिमम टारगेट हमें रखना है 1:4 रखना होता है, ठीक है। और वो भी स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही हमें यहाँ पर ये टारगेट रखना होता है। यही तीन रूल को हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, बस सिंपल सा ये रूल है। अगर आपको दो ऐसे हिट हो जाते हैं तो आपको सिस्टम को क्लोज कर देना है। मैक्सिमम टारगेट, मिनिमम टारगेट जो रखना होता है वो 1:4 का रखना है। और ये जो टारगेट है इसको हमें स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके ही रखना है, ठीक है, जिससे कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में आने लगे तो हम मार्केट से एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओके तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पे पहला ट्रेड मिला हुआ है, ये वो यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर ये जो हमारी अलर्ट कैंडल है, ये इस अलर्ट कैंडल के यहाँ पे, ये जो अलर्ट कैंडल है, ये इस अलर्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है। तो हमें जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वैसे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट यहाँ पर देखिए पहले ऊपर की तरफ मूव किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आके यहाँ पर जो हमारा SL था, मार्केट ने यहाँ पर हमारा SL हिट कर दिया। और इस लेवल के पास यहाँ पर हम लोग का SL हिट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का 59, आप इसको बोल सकते हैं 60 पॉइंट्स का हम लोग का यहाँ पर इस ट्रेड में SL हिट हुआ है, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हमें और कोई इस दूसरा ट्रेड मिला हुआ, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा SL था और बगल कर देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं हम लोग, ओके। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग को एक ट्रेड मिला हुआ है, पर यहाँ पर ये जो और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता है। सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पर बना हुआ, ये जो कैंडल है 10:30 की कैंडल पर, इस क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना था। और मार्केट यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ऊपर की तरफ मूव किया, और मार्केट यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर हमारा SL यहाँ पर भी हिट हो गया, ओके। तो ये जो फर्स्ट डे है, डे वन में हम लोग का यहाँ पर दो SL हिट हो चुका है। तो अभी हमें इसके बाद हमें और कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट डे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को जो यहाँ पे पहला ट्रेड मिला हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैंडल है, यहाँ पर RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में है, 5 में अलर्ट कैंडल ये है, और इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है। पर यहाँ पे जो यहाँ पर ये हमारा SL है, SL यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का है। यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर इसको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा SL है, यहाँ पर SL हमारा 150, आप इसको बोल सकते हैं 120 पॉइंट्स का है, तो हम यहाँ पर इतना बड़ा SL यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। और तो फिर हमारा जो ट्रेड उस यहाँ पर है, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला हुआ है। और उसके बाद फिर RSI इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज ही रह गया, मतलब यहाँ पर ओवर सेलिंग जोन में नहीं गया। यहाँ पर इस लेवल के पास RSI इंडिकेटर ओवर सेलिंग जोन में गया है, तो यहाँ पर हम लोग 5 मई की अलर्ट कैंडल देखेंगे। यहाँ पर ये रहा 5 मई की अलर्ट कैंडल, और यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, तो जैसे हाई ब्रेक होगा वैसे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए मार्केट पहले ये ऊपर की तरफ मूव किया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, तो ये स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ ये मूव करने लगता है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये स्विंग के पास स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करना होता है। ये जो स्विंग है यहाँ पर, ये जो कैंडल का है दिख रहा है, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। और मार्केट देखिए वापस से नीचे की तरफ यहाँ पर मूव करता हुआ आया, और फिर यहाँ पर ये दूसरा स्विंग बनाया हुआ है, ये दूसरा स्विंग बना चुका है मार्केट। तो यहाँ पर इस स्विंग का ये ऊपर की तरफ गया, और वापस से जब मार्केट इस स्विंग के पास आएगा तो यहाँ पर हम लोग अपना SL यहाँ पर ट्रेल कर देंगे, और यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग SL हिट हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस ट्रेड में हम लोग यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पर हटा के डिलीट करके तब आपको समझाने का मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखिए
मैं यहाँ पे सिंपल सही है बता रहा हूँ, हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया और मार्केट यहाँ पे देखिए वापस से गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें स्टॉप लॉस को स्विंग के पास यहाँ पे ट्रेल करना होता है, इस लेवल के पास हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और वापस से मार्केट यहाँ पर नीचे आया, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, तो यहाँ पर इस लेवल के पास हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया, तो यहाँ पर हमारा जो इस लेवल के पास स्टॉप लॉस को हमारा ट्रेल था, यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया है, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। मतलब हमें यहाँ पर पहले ट्रेड में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है। हाँ, प्रीमियम डिके होने की वजह से बहुत नॉमिनल सा लॉस हो सकता है, नहीं तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग को जो ये सेकेंड ट्रेड एलर्ट कैंडल नहीं, यहाँ पर नहीं मिला हुआ है, ओके। और जो हमें यहाँ पे आज के दिन का जो दूसरा ट्रेड मिला वो यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा SL कितने पॉइंट्स का है। देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल का यहाँ पर हाई नहीं ब्रेक हुआ है इन दोनों कैंडल में ना, तो ये रेड कलर, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने रेड कलर की कैंडल का यहाँ पर हाई नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होता। और यहाँ पर ये जो ये रेड कलर की कैंडल है, इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है और हमें ट्रेड जो लगाना होता है वो प्रीवियस कैंडल्स के हाई पर लगाना होता है। तो हम लोग यहीं तक ही अपना SL को यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ तक लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा SL काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं हम यहाँ तक SL यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 70 पॉइंट्स तक का यहाँ पर SL कंसीडर किया है, ठीक है, चलेगा। अगर आप बिगनर्स लेवल पर हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ SL को यहाँ पर इसी लेवल तक, इसी पॉइंट्स तक लगाइएगा, 62-65 पॉइंट्स तक का SL लीजिएगा, नहीं तो आप इस ट्रेड को आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा SL लेने का ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पर आपको एनालाइज़ करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया, नहीं तो अभी आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट आएगा कि जो लॉसेस ट्रेड थे आपने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो आज के दिन सेकेंड डे में हम लोग को दो ट्रेड मिला हुआ है, पहले ट्रेड में हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग उसमें एग्जिट हो गए थे क्योंकि ट्रेलिंग एसल हिट हुआ था, और सेकेंड ट्रेड में यहाँ पर 71 पॉइंट्स का SL हिट हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट डे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो यहाँ पर, ये हमारी एलर्ट कैंडल है, इसके एलर्ट कैंडल का यहाँ पे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, और जो SL है हमारा, SL कितने पॉइंट्स का यहाँ पर, SL हमारा यहाँ पर है 50 SL हमारा यहाँ पर है 68 पॉइंट्स का, तो 68 का 4 टाइम्स मतलब करेंगे तो इसके बगल में यहाँ पे जो परसेंटेज है हम परसेंटेज को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 68 का भी 4 टाइम्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो 50 का अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो 60%, मतलब हमारा SL जो होना टारगेट कितने पॉइंट्स का होना चाहिए 60% का, तो 60% का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोग को इस लेवल के पास, मतलब ये यहाँ पर हम लोग को इस ट्रेड में 273 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग और कोई भी ट्रेड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि जब हमें यहाँ पर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया है तो उसके बाद हम यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप सेकेंड ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब आपको एक ट्रेड में इतना अच्छा सा प्रॉफिट हो गया तो आप सेकेंड ट्रेड के लिए अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। तो इस वीक में ज़्यादा, इस वीक में क्योंकि हॉलीडे था तो यहाँ पर कम डेज़ में हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट करने को मिला है। अभी अगर हम इसको ओवरऑल यहाँ पर अगर हम इसको बैक टेस्ट इसको अगर अभी हम देखें ऐड करके, तो आपको यहाँ पे जो समझ में आएगा, देखिए ये रहा 20 तारीख का चार्ट, यहाँ पर 61 और 45 को अगर यहाँ पर इन सभी को हम, मैं क्या करता हूँ कैलकुलेटर से ऐड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लॉसेस, जितने हमारे यहाँ पे लॉसेस हुए हैं इनको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 176 पॉइंट्स का यहाँ पर हम लोग को लॉस हुआ है, और जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 273 पॉइंट्स का यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। कहने का मतलब जो दो दिन का जो यहाँ पर हमारा जो लॉसेस था वो यहाँ पर हमारा एक ही टारगेट में हमें यहाँ पर आसानी से मिल गया है, और एक ही टारगेट में हम लोग को यहाँ पर जो प्रीवियस जो लॉसेस थे वो सारे लॉस यहाँ पर हमारे क्या हो गए, रिकवर हो गया। तो यही इस सेटअप का बहुत अच्छा बात है कि इसमें हमारा जो SL होता है, SL बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो हमें टारगेट होता है टारगेट बहुत ही आसानी से मिलता है। आई होप आपका यहाँ पर ये ट्रेड देखकर, ये एनालिसिस देखकर आपको अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि लॉसेस फेज में आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं और मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। रूल्स को फॉलो करने का मतलब है आपको डेली दो ट्रेड लेना है और वो भी बिना डरे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है लॉसेस फेज में हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है।
तो अभी हम यहाँ पे निफ्टी 50 में देख लेते हैं निफ्टी 50 में किस तरीके से रहा ये वीक। तो सेम वही भी जैसे बैंक निफ्टी में था वैसे यहाँ पे निफ्टी 50 में भी था। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वैसे ही यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर SL काफ़ी बड़े हैं तो हम यहाँ पर SL को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला SL हम लोग का यहाँ पर हिट हुआ है और जो हमारा सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो यहाँ पर इस लेवल के पास एग्जीक्यूट हुआ है। दो ट्रेड में हम लोग का यहाँ पर SL हिट हुआ है, ओके। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे भी क्या हुआ था, हम लोग का यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर हमारा SL हिट हुआ है। और यहाँ पर जो SL हिट हुआ है यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल भी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का कोई पॉइंट है नहीं। और यहाँ पर जो SL हिट हुआ हमारा यहाँ पर ये जो SL है हमारा यहाँ पर ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो इस लेवल के पास यहाँ पर हम लोग को अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था। और फिर मार्केट यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे आया और जब ये ऊपर की तरफ गया तो हम अपना जो SL था यहाँ पे इस लेवल के पास लगा सकते थे और मार्केट नीचे आके यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग SL हिट कर दिया। मतलब यहाँ पर हम लोग एग्जिट यहाँ पर हुए हैं और इंटर यहाँ पर हुए हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हैं, पर प्रीमियम डिके होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा नॉमिनल सा लॉस यहाँ पर हुआ होगा, ओके। तो पहला ट्रेड में हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग SL हिट हुआ, आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। और सेकेंड ट्रेड जो हम लोग का यहाँ पर मिला हुआ है वो यहाँ पर मिला हुआ सेकेंड ट्रेड में SL हिट हुआ है। तो डे वन में हम लोग का 2 SL हिट हुआ और डे टू में हम लोग का 1 ट्रेलिंग SL और 1 SL हिट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड डे मतलब 22 सितंबर का अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ये जो ट्रेड था यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे SL है यहाँ पे 25 पॉइंट्स का, तो 25 का अगर यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होता है 75। तो 75 से भी ज़्यादा का पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट ने दिखाया। तो जो प्रीवियस जो आपके सारे SL हिट हुए थे वो सारा यहाँ पर एक ही ट्रेड में कवर हो जाता है। तो यही इस स्ट्रेटजी का पावर है आप इसको बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो आप क्या होते हैं ओवर मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर आके क्या करने लगते हैं, आप ओवर मोटिवेट हो जाते हैं जिससे आप अननेसेसरी लॉसेस करने लगते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर ओवर मोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि इसमें जो आपका जो प्रीवियस 2 दिन का जो SL था, SL आपका पहले दिन आपका 2 ट्रेड में SL हिट हुआ, सेकेंड डे क्या हुआ था पहले ट्रेड में आपका क्या हुआ था वहाँ पर ट्रेलिंग SL हिट हुआ था, ठीक है। और सेकेंड ट्रेड में SL हिट हुआ और थर्ड देखिए आपको यहाँ पे सीधा 1:4 मिल गया। जब 1:4 मिल जाता है ना तो ये जो प्रीवियस जो लॉसेज होते हैं वो सारे लॉसेज एक ही ट्रेड में आपका कवर हो जाता है। तो आपको इसमें अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो इसमें लॉसेज फेज भी आएंगे, प्रॉफिटेबल फेज भी आएंगे। देखिए आपको अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, आप अगर कोई सा भी सेटअप उठा लीजिए, ठीक है, मैं ये 100% रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आप कोई सा भी सेटअप उठा लीजिए, आप उसकी एक्यूरेसी को अगर आप उसको डिटेल्स में देखेंगे ना तो जो उसका एक्यूरेसी होगा ना 52-55% ही होगा, नहीं तो इससे कम ही होगा ओवरऑल। अगर आप उसको पूरा अगर आप उस स्ट्रेटजी को पूरा 1 साल 2 साल तक अगर आप उसको बैक टेस्ट करेंगे ना, मेरी बात आप लिख लीजिए, अगर आप कोई सा भी सेटअप उठा लीजिए, चाहे मार्केट में चाहे जितने बड़े भी ट्रेडर हो, चाहे जो भी अब बोलता हो आपको कि उसकी एक्यूरेसी इतना है, आप उसको सिर्फ 2 साल या 3 साल अगर आप उसको बैक टेस्ट करेंगे ना तो आप यही पाएंगे कि जो सेटअप की जो एक्यूरेसी होता है ना वो सिर्फ 50% होता है, बस 50% होता है, 50% से कम ही रहता है बस। डिफरेंस कहाँ पर आता है पता है आपको, ये 50% से भी लोग प्रॉफिटेबल कैसे हो जाते हैं? देखिए जब आप ट्रेड करने लगते हैं ना तो इसमें ये तो था एक्यूरेसी मैंने आपको जैसे बताया कि 50%, ठीक है। जब आपके अंदर जब एक्सपीरियंस आ जाता है ना, जैसे आपने यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे ये लेवल था, इस लेवल्स के ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपका ट्रेड यहाँ पर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप काफ़ी दिन तक जब आप ट्रेड किए रहते हैं ना तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ गया होता है इतना कि आपको यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा भी रिवर्स आने लगता है ना तो आपको अंदर से फील होने लगता है कि ये आपका SL हिट करा देगा, ये जो रिवर्सल आया है मतलब ये आपको अंदर से फील होने लगेगा, ये जब आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा तब। तो होता है क्या है, फिर जब ये SL हिट करने आ रहा होता है ना उसके पहले ही जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रो ट्रेडर आप बोल सकते हैं, वो सीधा इससे यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे इस जो भाई अभी मैंने बताया जो ये एक्सपीरियंस से एग्जिट होते हैं जिसको आप ट्रेलिंग SL बोल सकते हैं,
ठीक है, तो उससे उनका जो यहाँ पे एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी इससे बढ़ता है, सेटअप से एक्यूरेसी नहीं बढ़ता, सेटअप तो 50% का एक्यूरेसी रहेगा, आपका एक्सपीरियंस ही आपको बताएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया कि ट्रेलिंग एसएल लगाना, ऐसे ही आपको जब इसमें आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप अपने से भी ट्रेलिंग एसएल आप यहाँ पर लगाना सीख जाएंगे। और जैसे यहाँ पर सपोज़ कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक मूव किया और यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा, तो आपके अंदर जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ तक आया है ना, तो ये सिर्फ क्या है, ये करेक्शन है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर आप थोड़ी दिन बाद जब और एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पर 50% का लेवल है, अगर ये मार्केट 50% के नीचे आ जाएगा, 50% लेवल्स के नीचे आने लगेगा, तो क्या होगा, ये एसएल आपका हिट करा सकता है, तो आप यहीं से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये कहाँ, ये तो ये ट्रेड आपका किस में कंसिडर हो जाएगा, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड में कंसिडर हो जाएगा। तो इससे आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपका एक्यूरेसी 50% ही रहेगा, आपका सिर्फ एक्सपीरियंस ही जो है ये आपके सेटअप की एक्यूरेसी 10 to 50% ही आपका ये एक्यूरेसी बढ़ाएगा, बस और कुछ नहीं। यही है पूरा गेम, यही है शेयर मार्केट का गेम, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप कोई ऐसा सेटअप ढूंढ रहे हैं जिसमें आप सोच रहे हैं कि 80% एक्यूरेसी मिल जाए, 90% मिल जाए, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई भी ऐसा सेटअप आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई सेटअप होता ना, तो आज के दिन, आज के समय में कोई भी बड़ा जो बिजनेसमैन है ना, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे होते, क्योंकि उसे भी पता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर कोई सेटअप ऐसा है जो 90% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है मतलब सिर्फ उसको 10 बार ही लॉस होगा, तो वो 90 बार प्रॉफिटेबल रहेगा, तो वो क्यों नहीं अप्लाई यहाँ पर करना चाहेगा, है ना। लॉजिकली सोच कर देखिए तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है, लोग बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख कर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो इससे लॉसेज करने लगते हैं। तो बेटर है यही, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको लॉसेज होगा, लॉसेस होगा, तो लॉसेस को आप बियर करना सीख जाएंगे, तो आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेरा जो ये सेटअप है, इस सेटअप पर मेरा एसएल हिट होता है, फ्रिक्वेंटली हिट होता है। और मैंने ये कई वीडियो में बताया कि जो हमारा जो ये सेटअप है, इस पर 48% का भी, अगर आप 48% की अगर इस सेटअप की एक्यूरेसी रहता है, तो भी आप इस पर मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर करके आप इस पर बड़ा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। और मैंने ये बताया भी है कि जो मेरा ये सेटअप है, इसकी एक्यूरेसी 60 to 65% है, ठीक है, 80% 90% का मुझे यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। आपको अगर यहाँ पे ये सेटअप अच्छा लगता है, तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। निगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि आप खुद से सोचें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।